So now our topic is contiguous memory allocation. There are two types of contiguous memory allocation: the fixed size partitioning and variable size partitioning. इसके अंदर दो टाइप के पार्टीशनिंग मेथड्स होते हैं कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन के अंदर. एक तो हमारा फिक्स साइज है, यानी कि फिक्स साइज का मतलब हम एक मेमोरी को फिक्स कर देंगे कि हम उसका फिक्स साइज के पार्टीशन कर देंगे. अब फिक्स साइज पार्टीशन का मतलब ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल ये टोटल 10 MB का स्पेस है, टोटल 10 MB का स्पेस है, हमारे पास एक मेमोरी है तो 10 MB का स्पेस है. अब फिक्स साइज पार्टीशन का बेसिकली फिक्स्ड है, ये फिक्स नहीं है. फिक्स साइज पार्टीशन का मतलब ये नहीं है कि मुझे सारे जितने भी साइज़ हैं वो इक्वल होंगे, ऐसा नहीं कि 2 MB के साइज़ होंगे या 5 MB के साइज़ होंगे, ऐसा नहीं है. टोटल 10 MB का है. तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक साइज़ है जो फॉर एग्जांपल 5 MB का है, और ये दूसरा एक साइज़ है मेरे पास फॉर एग्जांपल ये 2 MB का साइज़ है, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 MB का साइज़ है, और ये मेरे पास अगेन 2 MB का साइज़ है. कितना है 5 एंड टोटल हमारा 10 MB का स्पेस हो गया, 2, 2, 4, 1, 5 एंड 5. ठीक है, अब ये 10 MB का मैंने क्या है फिक्स साइज पार्टीशनिंग कर दी है. अब फिक्स साइज पार्टीशनिंग के अंदर बेसिकली हम लोगों को क्या देखना है, यहाँ पर क्या बेसिकली प्रॉब्लम अकर होती है. फिक्स साइज पार्टीशनिंग के अंदर मान लो एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए फॉर एग्जाम्पल 4 MB का स्पेस रिक्वायर्ड है. कितने का 4 MB का स्पेस रिक्वायर्ड है. अब 4 MB का रिक्वायर्ड है स्पेस, तो अब आप देखिएगा अब 4 MB अब यहाँ पे क्या 2 MB में तो नहीं मिलेगा, 1 नहीं हो पाएगा, 2 यानी कि 5 MB हमारे पास है, और 5 MB के अंदर हम 4 MB को ऑक्यूपाइड करा सकते हैं, डिप्लॉयड करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब आप इस सिचुएशन में देखिएगा ये 4 MB का स्पेस जब इसमें ऑक्यूपाइड होगा, यानी कि ये स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, तो अब इसके अंदर हो सकता है कि इसमें से इतना स्पेस यानी कि ये 1 MB, ये 1 MB का स्पेस हमारा क्या रह गया यहाँ पर एम्प्टी, यानी कि फ्री. ये 1 MB का जो स्पेस है ये क्या है हमारे पास यहाँ पर फ्री. अब फ्री में क्या प्रॉब्लम आएगी, अब देखिए वैसे तो 5 MB का है बट यहाँ पे 4 MB का स्पेस ऑक्यूपाइज नहीं किया तो 1 MB का फ्री साइज़ रह गया. अब ये जो 1 MB का फ्री साइज़ है ये यूज़ में नहीं आएगा, ये यूजेबल नहीं है. तो इससे क्या प्रॉब्लम अकर हुई, इससे ये प्रॉब्लम अकर हुई कि हमारे पास प्रोसेस है 5 MB का, एग्जीक्यूट कितना है 4 MB में, तो 1 MB का स्पेस फ्री है जो यूज़ नहीं हो सकता. अब इस प्रकार की प्रॉब्लम जो अकर क्रिएट हुई है, इस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं आपका इंटरनल फ्रैगमेंटेशन. ये हमारी क्या है इंटरनल फ्रैगमेंटेशन. अब ये स्पेस तो बेकार हो गया, ये स्पेस यूज़ नहीं हो सकता है. सो फिक्स साइज पार्टीशन के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सारे फिक्स साइज़ के पार्टीशन करेंगे, इसके अंदर हम लोग बेसिकली स्पेस ऑक्यूपाई कराएंगे, अगर कोई प्रोसेस आता है उसको एंटर कराएंगे. अब अगर स्पेस कोई बच जाता है तो वो अनयूजेबल है जो यूज़ नहीं होगा, तो यही इसका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम अकर होगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिक्स पार्टीशनिंग. एंड द सेकेंड वन इज वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग. वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग. वेरिएबल साइज पार्टीशन के अंदर वेरिएबल, जैसे वेरिएबल का मतलब होता है चेंज हो सकता है. अब चेंज हो सकता है ये नहीं कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन और एट द टाइम ऑफ कंपाइलिंग ये चेंज होगा, इसका बेसिक मिल चेंज नहीं होगा. इसका बेसिक मिल यह है कि वेरिएबल साइज का कि हमारे पास एक 10 MB का स्पेस है, ठीक है, बिल्कुल ठीक. यहाँ पर हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस, ये पूरा हमारा 10 MB का एक स्पेस है. अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रोसेस आया 2 MB का, मैंने पहले से इसके कोई पार्टीशन नहीं करे, ना फिक्स ना किसी प्रकार के, 2 MB का स्पेस आया, मैंने इसको 2 MB का स्पेस यहाँ से दे दिया, दैट्स इट 2 MB. उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 MB का स्पेस आया, मैंने अब इसको 5 MB स्पेस दे दिया. फिर मेरे पास एक फॉर एग्जाम्पल 3 MB का स्पेस का प्रोसेस आया, मैंने अब इसको 3 MB का स्पेस प्रोवाइड कर दिया. तो कितना गया 5, 3, 8, 9, 10. अब देखिए इसमें किसी प्रकार की हमारी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हुई नहीं हुई, जितना रिक्वायर्ड था उतना ही स्पेस हमने क्या करा एलोकेट कर दिया प्रोसेस को. सो दिस इज़ अ वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग. वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग के अंदर किसी भी टाइप का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, और एक्सटर्नल तो होने की बात ही नहीं है, ना तो इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता. और फिक्स साइज पार्टीशन के अंदर हम लोग के अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है. सो दीज आर द टाइप ऑफ अ कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन.
इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे, इसके अंदर एक चीज़ और है, हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स हैं मेमोरी को एलोकेट करने के लिए, जैसे हमारे पास फर्स्ट फिट है, बेस्ट फिट है और वर्स्ट फिट है. दीज आर द एल्गोरिथम विच इज़ यूज टू एलोकेट द मेमोरी टू द प्रोसेस. और वी विल स्टडी ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. एंड तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन. थैंक यू.